हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 जून 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप चाहते हैं लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना, तो उसके लिए आपको छोटे छोटे चेंजेस करने होंगे, अपनी लाइफ से सीखना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा और उसके बाद आपको आगे बढ़ते रहना होगा। मुश्किलों से आपको घबराना नहीं है, आप उनका अच्छे से सामना करें, क्योंकि अगर आप एक बार मुश्किलों से सामना आपने कर लिया तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो आज 15 जून है, आज के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। ये मनाया जाता है 15 जून को। इस दिन का उद्देश्य क्या होता है कि जो एल्डर्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ में जो देखिए दुर्व्यवहार होता है, जो अब्यूज़ होता है, एल्डर अब्यूज़, उसके बारे में अवेयरनेस को बढ़ाना और ओल्ड लोगों के लिए बेटर प्रोटेक्शन और जो कम्युनिटी केयर है उसकी मांग करना। इस दिन की शुरुआत 2006 में हुई थी और इसको स्टेबलाइज किया था इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज़ एंड WHO। अब आते हैं इसकी थीम। तो इस बार इसकी थीम क्या रही, क्लोजिंग द सर्कल एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस इन ओल्डर एज पॉलिसी लॉ एंड एविडेंस बेस्ड रिस्पॉन्सेज। तो ये इसकी रही है फ्रेंड 2023 की थीम। याद रखेंगे, थीम से भी अक्सर एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन बन जाता है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स एक्वेरियन बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स हैज़ कमेंस्ड एट चौबटिया उत्तराखंड। देखिए, अगर एक्स एक्वेरियन एक्सरसाइज की बात करें तो ये इंडिया और मालदीव के बीच होती है। इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया उत्तराखंड के चौबटिया में। अब पूछा गया है कि इसका एडिशन कौन सा हुआ है, ये इस बार कंडक्ट कराया गया है इसका 12th एडिशन। वेन्यू ज़रूर ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है इस एक्सरसाइज का, कि जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट यानी संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को और भी ज़्यादा फैसिलिटेट यानी सुविधाजनक बनाना। इससे पहले जो उसका प्रीवियस एडिशन हुआ था यानी 11th एडिशन हुआ था, वो दिसंबर 2021 में कहाँ हुआ था, मालदीव। तो एक साल मालदीव होता है, फिर अगले साल इंडिया होता है, देन मालदीव। इस तरीके से इसका जो आयोजन है वो दोनों कंट्रीज़ के साथ में किया जाता है। बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस की, तो देखिए अल मोहैद अल हिंदी जो नेवल एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुई। कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में। अजय वॉरियर की बात करें, ये इंडिया यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुई, सेलिसबरी प्लेन्स UK में। फोर्थ समुद्र शक्ति जो अभ्यास है, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हुआ और इसका आयोजन किया गया बाटम इंडोनेशिया में। पहला मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई इंडिया और एशियान के बीच और ये हुआ चांगी नेवल बेस और साउथ चाइना सी में, जो है इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, द एजुकेशन मिनिस्ट्री विल होस्ट द फोर्थ एंड फाइनल एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेजिडेंसी इन विच सिटी। तो ये एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की चौथी और लास्ट बैठक है और इस बैठक का आयोजन किया गया है कहाँ पे, पुणे शहर में। इस मीटिंग की जो थीम रही वो क्या है, एंश्योरिंग फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। इस इवेंट, ये जो इवेंट है, ये इवेंट देखिए एक्सेसिबल साइंस के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उस पर डिस्कस करने के लिए जितने भी साइंटिफिक कम्युनिटी है उनको, इनके एक साथ जो है वो ये इवेंट बुलाएगा ताकि वो सब इस टॉपिक पे डिस्कस कर सकें। G20 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स की बात करते हैं, तो देखिए सेकंड समिट जो हुआ था अभी सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ G20 मीटिंग का, इसका आयोजन किया गया पणजी गोवा में। थर्ड G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई हैदराबाद में। थर्ड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अभी रिसेंट हुई जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और दूसरी G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई कहाँ पे, ऋषिकेश उत्तराखंड। तो जितनी भी G20 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं उनको तो फ्रेंड्स हमें ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटीज़ ट्रैफिक पुलिस हैज़ डिक्लेयर्ड नो हॉकिंग डे ऑन 14 जून
टू कर्ब दी अननेसेसरी यूज़ ऑफ व्हीकल हॉर्न। तो किस शहर की ट्रैफिक पुलिस ने 14 जून को वाहनों के हॉर्न के अनावश्यक उपयोग को रोकने के लिए नो हॉकिंग डे घोषित किया है? तो इसे डिक्लेयर किया है कौन से शहर ने? मुंबई इज़ दी राइट आंसर। तो देखिए, जब बिना फालतू का आपने देखा होगा कि शहरों में हॉर्न लोग बजाते रहते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी, तो नॉइज़ पोल्यूशन के कारण जो एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ को नुकसान हो रहा है, तो जो पुलिस है वो सभी मोटरिस्ट से ये आग्रह कर रही है कि हॉर्न बजाने, मतलब वो एक तरीके से हॉर्न को नेगलेक्ट करें और हॉर्न ना बजाएं, है ना, इस तरीके से, मतलब उनको ये अवेयर किया जाएगा कि इससे सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं या ह्यूमन हेल्थ ही नहीं, हमारा एनवायरनमेंट भी इससे काफ़ी ज़्यादा हार्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिल्वियो बर्लुस्कोनी पास्ड अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 86। ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? अभी हाल ही में देखिए, सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हुआ, ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इटली कंट्री के जो हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे। इटली के जो है प्राइम मिनिस्टर 4 बार रहे, 1994 से 95, फिर 2001 टू 2006, 2008 टू 2011। इटली की बात करें, कैपिटल है रोम, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है सर्जियो मट्रेला, प्राइम मिनिस्टर हैं करंट में जॉर्जिया मिलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैव साइन अ लोन एग्रीमेंट कितनी वर्थ का? 130 मिलियन USD का, टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन विच स्टेट? तो अभी देखिए, इंडिया और ADB ने जो है एक MOU साइन किया है, एक लोन एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है, और किस स्टेट के लिए हुआ है ये? तो हिमाचल प्रदेश के लिए जो है ये लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसे बूस्ट करने, यानी उसको बढ़ावा देने के लिए। तो इससे हिमाचल प्रदेश के जो फार्मर्स हैं, देखिए उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उसे इंक्रीज़ करने के लिए, सिंचाई तक जो है उनकी और भी अच्छी सुधार हो सके सिंचाई में, हॉर्टिकल्चर जो एग्री बिजनेस है उसको प्रमोट कर सके, तो इन सभी के लिए उस लोन को यूज़ किया जाएगा। जो कौन देगा हिमाचल प्रदेश को? ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला और धर्मशाला है, चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मुकेश अग्निहोत्री और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो देखिए, इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया था, हिमाचल प्रदेश की सरकार लेके आई थी वाइट पेपर ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्टेट, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था संजीवनी, हिम डेटा पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया, इसके अलावा इन्होंने फ्रेंच एजेंसी के साथ में MOU साइन किया था टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू डिपॉजिट स्कीम जिसका नाम है विकास आशादीप 400 डेज। तो विकास आशादीप 400 डेज की शुरुआत किस बैंक ने की है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने जो है इसे शुरू किया है, विकास आशादीप 400 डेज, एक नई डिपॉजिट स्कीम को। ये जो स्कीम है देखिए, ये जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए 7.50% और जो जनरल पब्लिक है उनको 7% के इंटरेस्ट रेट के साथ में 4 डेज की जो है वो इसका टेन्योर होगा। इसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं मिनिमम 10,000, मैक्सिमम यहाँ पर आप 2 करोड़ रुपये तक डिपॉजिट कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू इंट्रोड्यूस एन IVR बेस्ड UPI सॉल्यूशन जिसको नाम दिया है UPI 123 Pay। तो UPI 123 Pay पेश करने वाला पहला जो पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है वो कौन सा है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पंजाब नेशनल बैंक। UPI 123 Pay सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो ये देखिए जितनी भी फंक्शनैलिटी है, जो फीचर्स है उनको एक्सटेंड करेगा, और किसी भी फ़ोन यूज़र्स और जहाँ पे लो इंटरनेट कनेक्टिविटी जोन है वहाँ पे UPI परफॉर्मेंस या UPI जो ट्रांजेक्शन होता है उसे करने में आपको काफ़ी सुविधा प्रदान करेगा। तो इसे लॉन्च किया है
है पंजाब नेशनल बैंक ने। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1894 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एमडी सीईओ का नाम है अतुल कुमार गोयल और टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपोन। रिसेंट कुछ और फैसिलिटीज़ की बात करते हैं जो बैंकिंग सेक्टर में लॉन्च हुई है। देखिए तो फेडरल बैंक ने लॉन्च किया था आई एम अडियार, अडियार इज मी कैंपेन को। गूगल पे ने लॉन्च किया आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर यूपीआई एक्टिवेशन। एचडीएफसी बैंक ने इंट्रोड्यूस किया एक नया क्रेडिट कार्ड मिलेनिया ऑफरिंग कैशबैक के लिए। कोटक बैंक ने लॉन्च किया रिजर्व प्रीमियर अकाउंट फॉर दी सुपर रिच। तो ये भी रिसेंट फैसिलिटी है बैंकिंग सेक्टर में जो लॉन्च हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ सीएमडी ऑफ एनएमडीसी स्टील लिमिटेड। तो 3 महीने के लिए देखिए इन्हें एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर पद के लिए फिर से नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स बात करें किसे अपॉइंट किया है, आंसर हो जाएगा अमिताभ मुखर्जी को। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी के सीईओ कौन है, अमित अग्रवाल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने हैं सुबोध कुमार सिंह। इसके अलावा चेयर इलेक्ट ऑफ आईटीटीए बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स अपॉइंट हुए पीटर्स एल्बर्स। सीएमडी ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अपॉइंट हुए संजय स्वरूप। और हिंदू ग्रुप के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुई, निर्मला लक्ष्मण। तो ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, इन्हें हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवार्डेड द गवर्नर ऑफ द ईयर एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 इन लंदन। तो लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किसे किया गया, आंसर है शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के करंट में गवर्नर हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर के सम्मान से। तो शक्तिकांत दास दूसरे आरबीआई के गवर्नर हैं जिन्हें यह अवार्ड रिसीव हुआ है। इससे पहले 2015 में रघुराम राजन को रिसीव हुआ था ये अवार्ड। अवार्ड्स की बात करें तो आरएसएल क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइस ही कभी किसे मिला, पेट्रसन जोसेफ को। यूनेस्को मिशेल बेतिस अवार्ड मिला जगदीश एस बाकन को। सूरीनाम के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला, दामोदर माउजो को। ऑनरिस कॉक्सा एट एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर, ये किसे मिला अवार्ड, सोनू सूद को। अगला क्वेश्चन देखिए, थिपाचा पुथा वोंग हैज वॉन दी आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। और कौन से महीने की बात हो रही है, मे 2023। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री, सो ये कौन सी कंट्री से हैं फ्रेंड्स, तो सही आंसर है ये थाईलैंड से हैं। इनका नाम ध्यान रखेंगे थिपाचा पुथा वोंग। तो मई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इन्होंने जीता। अब बात करें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की, मई मंथ के लिए किसने जीता, आयरलैंड के प्लेयर हैरी टैक्टर्नी। तो आपको देखिए हर एक मंथ वाइज ध्यान रखना है मेंस में भी और वुमेंस में भी। तो आप रिविज़न के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और देख सकते हैं, वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के सभी हमें अच्छे से याद रखने हैं। देखिए एग्जाम में कोई भी पूछ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंडे मुरे बीट्स ज्यूरिख रोडियोनोव टू विन सुब्रितन ट्रॉफी। तो सुब्रितन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, और ये किसने जीती है, एंडी मुरे ने जीती है। और ये ट्रॉफी किससे संबंधित है, आंसर इज टेनिस। ठीक है, याद रखेंगे जो सुब्रितन ट्रॉफी है इसका संबंध है टेनिस से, और ये टाइटल इस या ये ट्रॉफी किसने जीती, एंडे मुरे ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री वॉन द फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल 2023। तो फीफा किस देश ने, देखिए फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब जीता है। तो ये खिताब किस टीम ने जीता है, उरुग्वे की टीम ने जीता है फ्रेंड्स। उरुग्वे की टीम ने इसमें फाइनल में डिफीट किसे किया, इटली को। अच्छा फीफा की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 21 मई 1904 को। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे रॉबर्ट ग्यूरिन, और करंट में प्रेसिडेंट कौन है, ज्ञानी इन्फेंटिनो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस का, तो चलिए देख लेते हैं। आज कवर करते हैं चलिए इंपॉर्टेंट डेज को। विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब, 3 मई को। अब आती है फ्रेंड्स इसकी थीम, तो थीम आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। तो 2023 में इसकी थीम रही थी शेपिंग
आ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, तो ये इसकी थीम रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड मलेरिया डे, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है कब, 25 अप्रैल को। अब आते हैं इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट, तो ये इसकी रही थी थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़, कब मनाते हैं, तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी जो दिन है ये मनाया जाता है आपका 3 दिसंबर को। नेक्स्ट, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनिमल डे, तो विश्व पशु दिवस कब मनाते हैं, ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 4 अक्टूबर को। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट डे है, विश डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हिंदी डे, तो वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है ये मनाया गया 10 जनवरी को, और देखिए हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करता है ये दिन, सबसे पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया था कब, 2006 में। अच्छा, वर्ल्ड हिंदी डे की थीम क्या रही, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसकी थीम रही हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स रिविज़न, कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सेकेंड समिट ऑफ द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द G20 कंट्रीज ये कौन से शहर में शुरू हुआ, तो ये जो समिट है ये कहाँ पे शुरू हुआ, गोवा के कैपिटल पणजी में। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ पीस कमिटी इन मणिपुर टू फैसिलिटेट पीस अमंग एथनिक ग्रुप्स, तो एक देखिए शांति की सुविधा के लिए मणिपुर में जो है एक शांति कमेटी का गठन किया गया, इस कमेटी की जो अध्यक्षता है कौन करेगा, मणिपुर के गवर्नर अनुसुईया उइके। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम टू रिवॉर्ड फॉर रिपोर्टिंग इलीगल वेस्ट डंपिंग ऑन रोड, तो किस राज्य सरकार ने सड़कों पर अवैध कचरे की डंपिंग की सूचना देने के लिए इनाम देने की एक नई योजना को शुरू किया, तो इस योजना को शुरू किया है केरल सरकार ने। नितिन अग्रवाल हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बने हैं डायरेक्टर जनरल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर प्रिंटर कंपनी इप्सॉन इंडिया, तो इप्सॉन इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है उनका नाम है रश्मिका मंदाना। Who has been appointed as a CEO of Unique Identification Authority of India? तो UDAI के CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अमित अग्रवाल। Who has won the French Open 2023 men single title? तो फ्रेंच ओपन में जो men single title है ये किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, और वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था किसने? ईगा स्वीटेक ने। Who has become the first Canadian champion to win RBC Canadian Open? तो इस चैम्पियनशिप को जीतने वाले पहले कैनेडियन चैम्पियन कौन बने हैं? आंसर इज निक टेलर। तो कंप्लीट होते हैं यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस। फ्रेंड्स कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो कि मनाया जाता है मार्च 20 को, और ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स में भारत की जो है रैंक रही 13th, और इसमें सबसे नंबर 1 पे है अफगानिस्तान। थैंक यू सो मच, आप सभी के बिल्कुल सही आंसर थे। आज के हमारे कॉमेंट हैं अंकित वत्स एंड गुरु प्रसाद, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। तो चलिए अब बारी आती है आज के टेस्ट के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व विरासत दिवस ये कब मनाते हैं। दोनों दिन के साथ आप उनकी थीम ज़रूर बताएगा कि इनके 2023 में क्या थीम रही है। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।